हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। तो चैप्टर वन की हम जो है नेक्स्ट टॉपिक्स जो कवर करने वाले इस वीडियो में, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि अच्छी स्थिति, निरक्षित स्थिति, इन सब चीज की डेरिवेशन आपको वन बाई वन बताने वाला हूँ, क्लियरली आपका कराने वाला हूँ, वो भी नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बस ध्यान से देखते चलिए, अपना नोट भी आप साथ ही साथ कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्या अभी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बेसिक चीजें से समझते हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि ये मेरा इलाका है, वो तेरा इलाका है, ये हमारा इलाका है। इलाका मतलब सीधा सीधा क्षेत्र से बात करेंगे हम लोग, इलाका इलाका को क्या बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे। तो कोई बंदा जो है वो अपना इलाका किसको बोलते हैं, That कोई बंदे का इतना बड़ा एरिया है मान के चलो, वो उतना को अपना इलाका बोलता है, मतलब क्षेत्र बोलता है, ठीक है। ये मेरा इलाका है, मतलब मेरा क्षेत्र है। तो वो किसको बोलेगा, कोई भी बंदा जो है मान के चलो, सपोज दैट ये ए नाम का बंदा है, ये अपना एरिया इसको बोलता है, तो वो क्यों बोलेगा, क्यों, क्योंकि वहां तक उसका पावर रहता है, यहाँ पर इस एरिया तक वो अपना पावर उसका रहता है। पावर मतलब यहाँ तक वो जो बोलेंगे वो करेंगे लोग वहां के, वहां तक उसका पावर है, वहां तक उनकी बातें चलती है, तो उसको ही वो एरिया बोलता है। सिमिलरली इसको समझो, जहां तक विद्युत की पावर रहता है, विद्युत की पावर रहता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखो वो तो समझने के लिए था, अब बच्चों परिभाषा के टर्म में देखो, अगर समझना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। मतलब सेम वही चीज जो मैं समझाया हूं, वही चीज यहाँ पर लिखा है, उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या आसान भाषा में आप लिखोगे, किसी विद्युत के जहां तक उसकी प्रभाव रहता है, उसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां तक वैद्युत की प्रभाव होती है करके, क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाली पॉइंट देखो, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते। अब हमें कैसे पता चलता है कि वहां तक उसका पावर है करके, तो वो वहां पर पावर है, मान के सपोज दैट इस एरिया तक पावर है, तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र पता चलेगा किसके थ्रू, वहां पर वैद्युत बल रेखाओं के माध्यम से। वैद्युत बल रेखा की बात कर लेते हैं भाई, वैद्युत बल रेखा आया तो वैद्युत बल रेखा होती क्या है, तो देखो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक वैद्युत बल रेखा जो है काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, काल्पनिक एवं निष्कर्षण वक्र होती है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अविरल प्रदर्शन करती है। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती है जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शन करती है, ये आप आसान टर्म में लिख सकते हो। फिर इस तरीका से धनावेश वाला ये हो जाएगा, ऋणावेश वाला ये हो जाएगा, और धनावेश और ऋणावेश वाला संयुक्त डायग्राम आप लोग इस तरीका से बना सकते हो। अब देखो इसकी गुण की बात कर लेते हैं हम लोग भाई, कि इसकी गुण क्या क्या होगी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आपका, है ना, कि वैद्युत बल रेखाओं की गुण लिखिए करके। तो वैद्युत बल रेखाओं की अगर बात करें, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल कर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती, ये धनावेश से चालू होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती, ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, अगर ये काटती तो कटान बिंदु पर, जैसे कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटते ना, सिमिलरली दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट क्या भाई आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास, अगर वैद्युत बल रेखा पास पास में है तो वो प्रबल वैद्युत कहलाएगा, और दूर दूर में है तो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल वैद्युत बल रेखा कहलाते हैं, क्लियर है। अगर पास पास में रहेगा तो प्रबल, और दूर दूर में अगर उसकी रेखा है देन वहां पर वो दुर्बल बल रेखा कहलाते, क्लियर। अब आप लोगों के दिमाग में डियर स्टूडेंट ये सवाल उठता है कि वैद्युत बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है, क्योंकि हम सिमिलर देख रहे हैं। तो एक चीज है भाई, देख लो दोनों में सिंपल से है, धनावेश से निकलकर वक्र बनाती है, ऋणावेश समाप्त हो जाती है, इस प्रकार वैद्युत बल रेखा वक्र बंद वक्र नहीं बनाती है, है ना, वैद्युत बल रेखा बंद वक्र नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र रेखा बनाती है, सिंपल सा अंतर उसमें, क्लियर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारी स्क्रीन पर भाई, देख लो क्या बोला जा रहा है, टेस्ट चार्ज क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेस्ट चार्ज, मींस परीक्षण आवेश क्या,
टेस्टा वे से जाहिर सी बात है भाई, वह छोटा आवेश जिसका उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है, हम परीक्षण आवेश कहेंगे अगर आसान टर्म में है ना तब, लेकिन इस तरीके से बोल सकते हैं वह आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। अगर हम किसी आवेश को लाएंगे तो उस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए उस आवेश को लाएंगे। अगर वो विद्युत क्षेत्र को किसी भी प्रकार के प्रभावित नहीं करता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। अंडरस्टैंड। फिर आगे हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास की मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होती है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने वैद्युत क्षेत्र देखे, जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसे वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, तब उसकी तीव्रता, तीव्रता मीन्स उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उस चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के एकांक परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के किसी एकांक आवेश पर जो बल लगता है, ठीक है, क्या बोला हूं, विद्युत क्षेत्र के किसी एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की एकांक परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है बच्चों, उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम समझ लेते हैं इसकी फॉर्मूला कैसे होगी। यदि क्यू जीरो जो है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ है, अगर कोई आवेश है परीक्षण आवेश बोले है ना, तो परीक्षण आवेश हमारा क्या है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट पर अगर कोई बल लगता है एफ, तब इसकी तीव्रता की फॉर्मूला क्या होगी, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, क्लियर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला याद रख लो, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। अगर आवेश परीक्षण आवेश ये है तब, अगर मान के चलो परीक्षण आवेश हमारा क्या रहता, क्यू रहता, तो क्यू रहता तो सिंपल से इट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू रहता। अगर क्यू वन रहता तो यहाँ पर भी क्यू वन हो जाता, क्यू टू रहता तो यहाँ पर भी क्यू टू हो जाता, इस तरीके से वो बदलेगा, बाकी फॉर्मूला आपका यही रहे। अब देखो इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालना सीखा करो। ठीक है, वैसे ये सब चीजें आपको इलेवेंथ में ही सिखा दिया गया कि मात्रक देखो, फोर्स एफ मतलब बल, बल का क्या होता है न्यूटन, आवेश का क्या होता है इस तरीके से है ना, आवेश है तो कूलाम हो गया उसका, तो इस तरीके से न्यूटन कूलाम इसका हो जाएगा। फिर इसको वेमी सूत्र न्यूटन का बना हुआ इस तरीके से, और कूलाम का बना हुआ इस तरीके से हो जाएगा। वेमी सूत्र भी सदिश राशि, अदिश राशि, सब चीजें आपको निकालने आना चाहिए, जो कि इलेवेंथ बेसिक आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जो है निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये दो बिंदु आवेश है, यहाँ पर देख लो इसको, Q1 और Q2 दो आवेश है, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ Q0 है यहाँ पर। ठीक है, दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ पर जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाला वर्ड्स, इसको आपको फिजिक्स में लिखने आना चाहिए, पूरा का पूरा खेल इसी का है। ये आ गया तो समझो आपके लिए फिजिक्स आसान हो जाएगा, सबसे बड़ी डाउट यही होती है। अब देखो हमने सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर ऊपर में देख पा रहे हैं, फिर इसको लिखना है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू ऐसे विद्युत परावैद्युतांक माध्यम के पर है, ये के ही आना परावैद्युतांक है ना, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्यू नॉट है, जहां क्यू नॉट है इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, मतलब कोई बिंदु पी है और उस पी पर क्या है, क्यू नॉट आवेश है, तो इसके बीच जो है हमें वैद्युत बल निकालना है। तो देखो इस तरीके से करोगे, यहाँ पर कूलाम का नियम हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, क्लास वन में देखे थे कि एफ इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, और क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन में आर टू है। अब यहीं पर देखो ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू का क्यू देखो पहला आवेश हमारा क्यू था, तो क्यू लिखेंगे और क्यू टू लिखेंगे, इस तरीके से कर लोगे ये। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, मैं एक बार इसको समझा देता हूँ आपको बोल पर, ताकि आप बेहतर वीपी इसको कर पाओ। तो सबसे पहले देखो हम लोग का कूलाम के नियम से, अगर कूलाम के नियम से अगर हम बात करें तो कूलाम के नियम, कूलाम के नियम क्या बोलते हैं, एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के,
ये और उसके इनटू में था क्यू वन अपॉन क्यू टू अपॉन में आर का स्क्वायर इस तरीके से। अब यहां पर देखो कैसे चेंजेस होगा, एफ का तो एफ लिखोगे इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के। अब अभी हमारे पास आवेश क्या था, तो आवेश बच्चों देखो यहाँ पर हमारा आवेश की अगर मैं बात करूं तो देखो एक बार क्यू था और एक बार क्यू नॉट था, तो उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है एक बार क्यू और एक बार क्यू नॉट, इस तरीके से दो एस और दोनों के बीच की दूरी अभी भी आर स्क्वायर है, इस तरीके से कर लोगे। क्लियर है यहाँ पर, इतना तो कर ही लोगे है ना। अब देखो उसके बाद इस क्यू जीरो का इस साइड पक्षांतर कर दो, उस साइड देखो वो गुड़ा में है, इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा तो भाग में इस तरीके से, ठीक है। तो ये बचेगा कैसा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के अब इनटू, ये देखो क्यू जीरो को तो मैं इधर भेज दिया हूं है ना, तो यहां पर बाकी रहेगा आपका क्यू बस और नीचे में हो जाएगा आर का स्क्वायर। आया यहां तक। अब इसके बाद देखो अभी हम लोग पढ़े हैं एफ अपॉन क्यू जीरो इक्वल टू, चलो दिखा देता हूं क्योंकि आप लोग बहुत से बच्चे अभी नोट नहीं किए होंगे है ना। यहां पर एफ अपॉन क्यू जीरो इक्वल टू क्या हो रहा है, ई लिख रहा है, तो वहां पर भी हम लोग उसको क्या लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे ई। तो ये बन गया तीव्रता, तो तीव्रता का फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के और क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। अब यहां पर आपको आगे लिखना है वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे वायु या निर्वात के लिए के इक्वल टू वन लेंगे, जो पैरावैद्युतांक माध्यम लिए थे हम लोग के, तो उसका वैल्यू कितना ले लेना है आपको, वन लिख लेना है। तो ये कैसा हो जाएगा, ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि के की जगह वर्ग रख देंगे तो उतना ही होगा, फिर क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल या समीकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है, किसी एकांक बिंदु आवेश के लिए, जो बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश पर कोई बिंदु है तो उस पर क्या लगेगा, तो ये वाली इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी, यही इसकी क्या है, अभीष्ट व्यंजक है। यहां तक आप लोग करोगे क्लियर। फिर आ जाते हैं हमारे इस पर भाई, हमने ये टॉपिक कवर कर लिए, यहां तक आपको करा दिया। अब वैद्युत द्विध्रुव जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है वो चीजें मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर समझो, यहां पर यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर आते, दो बराबर उसके वैल्यू बराबर रहेगा लेकिन विपरीत रहेगा, ठीक है। देखो सपोज दैट एक साइड मैं प्लस थ्री लूंगा तो अगले साइड मुझे प्लस थ्री, वैल्यू इक्वल रहेगा लेकिन वो विपरीत रहेगा, विपरीत देखो एक माइनस में और एक प्लस में, इस तरीके से। तो यदि दो बराबर और विपरीत आवेश ना एक दूसरे से क्या रहे, अल्प दूरी पर हो, तब हम उसको ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप समझ के रखोगे, वैद्युत द्विध्रुव आ गया समझ। अब वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है उसको देखो। तो वैद्युत द्विध्रुव तो आप समझ गए कि अगर उसकी बराबर और विपरीत हो तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं या विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तब यहां पर देखो आघूर्ण समझने वाले, तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, समझो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव है, इस तरह का दो ठो आवेश रहेगा उसको ही वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, उसमें से कोई एक आवेश, कोई सा भी एक आवेश, या तो इसको या इसको, दोनों में से कोई एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। कैसे, यहां पर देखो जो बोलना चाह रहे उसको इस क्या को नहीं समझो, ये है इसकी फाइनल फॉर्मूला इसी तरीके। तो देखो यहां पर क्या लिया है बच्चों, एक आवेश लिए है ना, एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे, इसकी फॉर्मूला हो जाएगा। तब बाकी पूरी चीजें यहां से कवर कर सकते हो, उतना बस याद रखना। और यह फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे की क्लास के लिए, मतलब आगे हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है तो याद रखेंगे। P इक्वल टू मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या होता है, Q इंटू टू एल होता है, अंडरस्टैंड। अब हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ कमर कस लो अच्छे से, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधा सीधा आपका 5 मार्क्स कन्फर्म होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। और यही दो टॉपिक है, गॉस प्रमेय को छोड़ दे, तो गॉस प्रमेय से पहले यही दो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होती है आपका, तो वन बाय वन देखेंगे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में, ठीक है। इसमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और निरक्षी स्थिति में,
तो अक्षी स्थिति की सबसे पहले देखो, अक्षी स्थिति क्या कहते हैं, जब अक्ष में ही रहे या उसी से आगे लंबवत मतलब आगे बढ़ाया जाता है, परस्पर आगे बढ़ाया जाता है उसको, मतलब इस तरीके से आवेशों से परस्पर आगे बढ़ाया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं अक्षी स्थिति। जो अक्ष में रहता है उसको अक्षी स्थिति, ठीक है। और निरक्षी स्थिति में क्या होता है, जो लंबवत होते हैं उसको क्या कहते हैं, निरक्षी स्थिति कहते हैं। अक्षी स्थिति में आगे बढ़ाया जाता है इस तरीके से, और निरक्षी स्थिति में क्या होती है, लंबवत होते हैं। इन चीजों को याद, अब देखो यहाँ पर इन चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं इस तरीके से, अक्षी स्थिति के लिए सबसे पहले मान के चलो अक्षी स्थिति है, तो जैसे कि दो ठो बिंदु ले लिए हम लोग, है ना, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु मैं ले लेता हूं बच्चों बी। इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव मतलब ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं ना, और वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव है मतलब उसके बीच की दूरी जो है क्या होती है, अल्प दूरी होती है, इसलिए उसको क्या लेंगे, 2L लेंगे, क्लियर। तो मान लीजिए ये सेंटर है, तो इसके आधा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का एल, और उसी तरीका से यहां तक का क्या हो जाएगा, एल, आधा आधा बढ़ जाएगा। अब देखो इसके सेंटर से यहां से ही ये वाले पॉइंट है, तो पॉइंट से ही कुछ दूरी पर हम क्या ले लेते हैं, एक बिंदु मैं पी ले लेता हूं इस तरीके से, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो जो डायग्राम लिया है ना, ऐसे हमारे नोट में देखो, यहाँ पर ए बिंदु लिए, यहाँ पर बी बिंदु लिए, ए पर जो माइनस क्यू आवेश है और बी पर जो है प्लस क्यू आवेश है, इसके मध्य बिंदु जो है ओ, और ओ से कुछ दूरी पर हमने क्या लिए, बिंदु पी लिए, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मैं जितना चीज बोल रहा हूँ ना बच्चों, उसी को आपको लिखना भी है, और यही फिजिक्स है, याद रखना। अब देखो यहां पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो लगेगा यहां पर तीव्रता कैसे होगी, E1 होगा, वो बाहर के साइड होगा, याद रखना। जो प्लस चार्ज के कारण कहीं पर भी पूरे फिजिक्स में याद रखना, प्लस चार्ज के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, जबकि माइनस चार्ज, देखो माइनस वाला Q2 के द्वारा जो लगेगा वो क्या रहेगा, माइनस मतलब अंदर की ओर रहता है हमेशा, वो बाहर और ये अंदर होती, प्लस का बाहर और माइनस का अंदर होता है हमेशा, इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो जो चीजें मैं बोला हूं उसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर देख लो, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ऐसे पराद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका पैरा वैद्युतांक के है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, हमने इसके मध्य बिंदु से, देखो ये मध्य बिंदु है, इससे R दूरी पर मैं एक बिंदु P लिया हूं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, अंडरस्टैंड। तो ये रहा, फिर यहां पर देखो अब बारी बारी सबको करना पड़ेगा, तो इन चीजों को मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आपको यहां पर करना है। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखो प्लस क्यू आवेश किस पर है, बिंदु पी पर है, यहाँ पर देखो प्लस क्यू आवेश के कारण है ना, तो इस पर जो बिंदु निकालना है, तो सबसे पहले देखो ये, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, E1 के कारण प्लस क्यू का, देखो बाहर क्यों लग रहा है मैं बताया ना, तो 1/4π0 के क्यू अपॉन में देखो उस पर आवेश क्या था, प्लस क्यू था, तो आर माइनस एल कहां से आया इसको समझो, तो आर माइनस एल के लिए आपको यहाँ पर देखो यहां से देखो ओ से बात करें तो पी तक की दूरी तो कितना है, आर था, अब हमें यहां से बी से निकालना था दूरी, बी से पूरे में मैं क्या करूंगा, जो ये पता था ना एल, उसको माइनस कर देंगे, तो एल माइनस ये आर, ठीक। एक बार और डायग्राम बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ आए, ये ए बी और ये पी, ए बी ये एक ओ बिंदु, मुझे यहां से टोटल रास्ता पता है ये कितना है, 8 किलोमीटर है, और मुझे ये वाला भी रास्ता पता है इतना दूर का, ये इतना दूर का भी पता है कि ये एल है, तो इतना का निकालना पड़ेगा, बी से पी की दूरी निकालना पड़ेगा मुझे, तो कैसे भी निकलेगा, मुझे ये पूरा तो पता है भाई, पूरा मान के चलो सपोज दैट ये 10 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये बीच वाला रास्ता कितना होगा, तो 10 में मैं क्या करूंगा 3 घटा दूंगा, माइनस करूंगा, देन 7 है करके मुझे पता चल जाएगा। सिमिलरली अभी हमारा 10 हम नहीं ले रहे और 3 भी नहीं ले रहे, हमारे पास पूरे रास्ता कितना है, R,
माइनस आधा रास्ता जो पता है वो कितना है एल, तो आर माइनस एल हो जाएगा। दैट्स वाई वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आर माइनस एल इस तरीके से। और आर का स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला भी जस्ट दिखाया हो भाई, आर का स्क्वायर होता है, इसलिए एल माइनस सॉरी आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण तो उसमें प्लस वाला रहेगा, ठीक इस तरीके से आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक कर लोगे यहां तक। फिर जो है अब आपको क्या करना है, इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यहाँ पर देखो E1 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन है E2 की, इस तरीके से आप लोग लिखोगे इसको, ठीक है ये वाला पॉइंट को E1 जो है ग्रेटर देन है किसके, E2 के। फिर यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होती है E1 माइनस E2, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, अच्छी स्थिति में ऐसा होता है और निरक्षी स्थिति में अगर बात करें तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है, उसमें परिणामी बल प्लस में होता है और इसमें परिणामी बल माइनस होता है, नहीं रक्षित, बस ये बेसिक चीज याद रखना, फिर आपसे ये हो जाएगा, क्लियर। अब चलो हम समझते हैं वन बाई वन, यहाँ से परिणामी बल मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ नोट में, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अब परिणामी बल निकालेंगे तो परिणामी बल के लिए क्या लिखे, ई इक्वल टू यहाँ पर कैसा लिखना है, E1 माइनस E2 लेना है। अब देखो यहाँ पर आपको E1 की वैल्यू लिख लेना है, ठीक देखो E1 की वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा ऊपर में इसमें, है ना। देखो E1 की वैल्यू कितना है, 1/4πε0Q/r-L का स्क्वायर, है ना, उसी को पूरे को यहां पर हम लोग लिख देंगे। कैसा होगा E1 की वैल्यू 1/4πε0Q और Q आवेश के कारण था इसलिए Q। अब यहां पर कैसे करेंगे, हम लोग का क्या था R-L का स्क्वायर, एक्चुअल में ये प्लस भी लेते तो अंत में हमारा ये माइनस ही हो जाता है, अगर यहाँ पर हम लोग प्लस भी लेके बनाते तो, ठीक है, क्योंकि हमारी जो चार्ज है वो ऑलरेडी माइनस पर है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब E2 की वैल्यू देख लो भाई, E2 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो E2 की वैल्यू ध्यान से देखोगे आप लोग को तो पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाए, क्या ये क्यू अपन आर प्लस एल का स्क्वायर इतना बस यहाँ पर, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, 1/4πε0Q और Q अपॉन में क्या हो जाएगा R प्लस L पूरे का स्क्वायर, इस तरीके से आपको करना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर प्लस मान के चलो लिखे रहते तब भी ये बन जाता, प्लस लिखे रहते तो यहाँ पर तो माइनस क्यों लिखते तो फिर से माइनस हो जाता, तो आप ये मान के चलो आप उसको प्लस लेकर के बना सकते हो, टोटल आपको निकालना है तो, ठीक। तो E इक्वल टू इस तरीके से करना है, फिर आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे आप देखो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मैथमेटिक्स फॉलो करना पड़ेगा। हम इस पर कॉमन ले लेंगे इस वाले को 1/4π को, 1/4πε0Q। अब ब्रेकेट में देखो बाकी रहेगा क्या, यहाँ पर हम Q को भी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इस साइड भी Q है इस साइड भी Q है, तो Q को अगर बाहर निकलेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ बाकी क्या रहेगा 1/r-L का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/r+L का स्क्वायर, इस तरीके से कर लेंगे, क्लियर है, ऐसा कर लोगे। अब आपको एक चीज सिखाया गया है हमेशा से मैथ्स में कि जब भी इस तरीके से अपॉन में हो तो आपको नीचे नीचे का मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक। तो हम लोग कैसे कर लेंगे इसको, देखो इसको तो जस्ट कितना लिखेंगे, क्यू अपॉन 4πε0Q लिख लोगे, फिर इसको के बाद देखो आपको करना है क्या, सिंपल साइज का सबसे पहले तो आप लोग नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कैसा हो जाएगा आपका, सिंपल से इस तरीके से दिखेगा आर माइनस एल का स्क्वायर और नेक्स्ट में आर प्लस एल का स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इस वाले वन के साथ होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल और ये पूरे का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो R माइनस वन सॉरी L का स्क्वायर, इस तरीके से कर लोगे और ब्रैकेट आपको क्लोज कर, क्लियर। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब देखो आगे करना क्या है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फिर से लिखेंगे E इक्वल टू, इसको जस के तस कैसे कर सकते हैं, Q अपॉन में 4πε0Q लिखेंगे, फिर
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, देखो एक बार ये हमारा प्लस में है और एक बार माइनस में, तो इसको कैसे कर कैसे सकते हैं हम लोग, इसको नीचे वाले को लिखेंगे, एक मिनट कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे ऐसा a प्लस बी और a माइनस बी ऐसा रहे तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऐसा वाला, तो वो सिमिलरली हमारा नीचे कैसा हो जाएगा इस तरीके से r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, और देखो इसके भी पावर में 2 था इसके भी पावर में 2 था इसलिए पूरे की भी पावर में 2 लग जाएगा, कर लोगे। अब ऊपर को फॉर्मूला से तोड़ेंगे, कौन से फॉर्मूला से, याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या होता है भाई a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसमें कौन सा a का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस में b का स्क्वायर इस तरीके से। तो ये तीनों का तीनों फॉर्मूला यहाँ पर जो सर्व समीकरण सूत्र होता है वो यूज होना है, तो r प्लस l है तो देखो प्लस वाला फॉर्मूला के साथ a का स्क्वायर, a की जगह पे r है इसलिए r का स्क्वायर प्लस 2ab लेना है तो 2 का 2 और a की वैल्यू कितनी है r और b की जगह पे कितना है l, तो इस तरीके से लिख लेंगे प्लस b का स्क्वायर मतलब आपको l का स्क्वायर कर देना है माइनस, अब यहां पर भी वही करेंगे लेकिन यहां पर ब्रैकेट के बाहर में माइनस, इसलिए पूरी चीजों को हम लोग किस में रखेंगे माइनस में रखेंगे, तो देखो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर माइनस इसमें लेना पड़ेगा 2ab तो 2 का 2 a की जगह r b की जगह l प्लस b का स्क्वायर करना है बच्चों, तो यहां पर आपको l का स्क्वायर कर देना और ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी इस तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक आया क्लियर। तो फिर से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिखे, फिर यहां पर देखो नीचे को अभी भी हम जस के तस करते हैं, ठीक तो कैसा हो जाएगा ये r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर पहले से, अब ऊपर में देखो ये कैसे हो जाएगा r का स्क्वायर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2rl ये हो जाएगा 2rl प्लस l का स्क्वायर माइनस, अब याद रखना यहाँ पर जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर में माइनस तो देन अंदर का साइन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, ये कैसा हो जाएगा आर का स्क्वायर जो माइनस है यहाँ पर माइनस 2 है ना तो वो प्लस 2RL हो जाएगा और प्लस जो था तो वो माइनस L की स्क्वायर हो जाएगी, इस तरीके से ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है, क्लियर आया यहाँ तक। देखो ये मैथमेटिकल होती है फिजिक्स में इन्हीं चीजों को आपको समझना है और यही सब चीज मुझे समझाना है वरना मैं डायरेक्टली आपको नोट भी प्रोवाइड करा देता है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इस तरीके से लिखोगे, अब देखो ऊपर में आर का स्क्वायर कट जाएगा दोनों साइड से क्योंकि एक बार में और एक बार माइनस में ना कटा, उसी तरीके से एल का स्क्वायर और एल का स्क्वायर कट जाएगा तो बाकी क्या रहेगा 2RL यहाँ का बाकी रहेगा प्लस 2RL यहाँ का बाकी रहेगा। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, स्टेप बहुत बढ़ रही है हमारा तो हम कुछ चीजों को डायरेक्ट करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा डायरेक्ट सीधा सीधा यहाँ पर 2RL तो टोटल हो जाएगा 4RL, क्लियर 4RL इस तरीके से आप लोग कर लोगे, और नीचे में क्या है आपका आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर था और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज यही काम था, ठीक। अब यहां पर देखो इतना तो आ जाएगा आपको समझ, अब यहां देखो एक लाइन आपको लिखना है क्योंकि जो एल है लेस देन है किससे, क्योंकि आर लंबी दूरी को बोला जाता है और एल छोटी दूरी को है ना, क्योंकि दूरी ध्रुव आघूर्ण पड़ रहे हैं हम लोग वैद्युत आघूर्ण पड़ रहे हैं, तो यहां पर देखो ये तब जो है हम लोग क्या करेंगे एल जो स्क्वायर है उसको भी क्या मानेंगे नगण्य मानेंगे, बोल सकते हैं उसको नहीं के बराबर मानेंगे, ठीक तो नगण्य मानने पर करके आप लोग इस तरीके से लिख देंगे, तब देखो ये हमारा कैसा हो जाएगा भाई आगे हम लोग देखते हैं, तो वो हमारा तब e इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिखोगे इस तरीके से, ऊपर में 4RL है तो उसको रहने दो और नीचे में क्या है r का स्क्वायर है r का स्क्वायर माइनस
एल की जगह मैं रख रहा हूँ जीरो, क्योंकि वो नगण्य है, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा और पूरे का स्क्वायर इस तरीके से। तो ई इक्वल टू ई कैसे हो जाएगा, क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के लिखोगे तो वो हो जाएगा फोर आर एल, और नीचे में देखो आर का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके कर लोगे। अब यहां पर देखो ट्विस्ट ये आने वाला है, हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे, इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के लिख सकते हैं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, टू टू इंटू टू एल, मतलब क्यू टू एल ऐसा वाला। एक बार और फिर से लिखते हैं उसको, मैं फोर को लिख रहा हूं टू इंटू टू, है ना, लिख सकता हूं फोर को टू इंटू टू। अब यहां पर देखो क्यू को भी साथ में लिख रहा हूं, क्यू और एल को भी लिख रहा हूं ऐसा, टू क्यू एल, और बचा कौन हमारा आर, तो आर को इस तरीके से कर लेते हैं। तो E इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के। अब देखो यहां पर एक चीज आपको सीखना है, Q इंटू टू एल, क्यू टू एल वाला एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे थे ऐसा, P इक्वल टू मैं याद रखने बोला था इनको आप लोगों को क्या कि Q इंटू टू एल ये P के बराबर होते थे, हम यहाँ पर Q के बदले और टू एल के बदले इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर P लिख सकते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा हमारा फाइनली 2p हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। और नीचे में एक ओ, मतलब एक r तो बाकी है और इसमें r का स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब लेकिन इसको अब चाहो तो यहीं तक ले सकते हो या आगे, क्योंकि फिजिक्स है जितना चाहो उतना आगे ये बढ़ जाती है। अब k इक्वल टू वन वगैरह लोगे तो इसकी आंसर जो है आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज हमने गलती करी, ये वाला पर r टू दी पावर टू फिर पूरे की पावर में टू था, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा r टू दी पावर फोर, फिर यहाँ r टू दी पावर फोर, एक r खत्म होगा तो हमारा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, हम k इक्वल टू भी डायरेक्ट यहाँ पर वन रख दे रहे हैं, ठीक है रख दिए, तो यहाँ पर सीधा सीधा टू पी अपॉन में r की पावर में थ्री बाकी रहेगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट में दिखा देता हूँ एक बार, आप लोग कन्फर्म कर पाओगे। तो देखो इस तरीके से करना, जो चीजें मैं बताया उसको आप इस तरीके से भली भांति नोट कर पाएंगे। नगड़िया लिए यहाँ पर, फिर इस तरीके से दूतांक लिए, मतलब जो आगुड़ था उसको लिए, तो फिर ये हमारा फाइनल इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये अब हम देख लेते किसके लिए भाई, निरक्षी स्थिति के लिए, ठीक। थोड़ी सी लंबी क्लास होने की वजह से आपको लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट करना पड़ेगा, है ना। निरक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, यहाँ पर भी देखो आपको बेसिक चीजें समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोला हूँ लंबवत होना चाहिए, तो जैसे कि दो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आवृत लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा बी है, ये दोनों को कर दो ज्वाइन, ये ए और बी, इसके मध्य बिंदु कौन सा, ये ओ, ठीक है। इन दोनों की पूरी कंप्लीट दूरी को हम लोग आधे आधे में बांटेंगे तो भी ये कैसा हो जाएगा, ये एल ये एल, तो इसके मध्य बिंदु से इस तरीके से लंबवत लेना है, इसमें लंबवत लेना है r दूरी पर कोई बिंदु p है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसा। अब यहां से देखो बाहर जाएगा ये, इसमें कौन सा चार्ज है हमारा, इसमें मैं ले लेता हूँ माइनस क्यू चार्ज और इसमें लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस वाला हमेशा मैं बताया आपको बाहर जाता है करके, तो ये बाहर जाएगा तो ये E1, और Q वाला जो है देखो ये A में है तो ये अंदर की ओर आते जाएगा, तो इस तरीके से तो ये बन जाएगा E2। तो इस तरीके से बेसिक सिंपल इसका डायग्राम होगा, क्लियर है। तो इसी चीजों को आपको समझते चलना पड़ेगा, ठीक। अब जो यहाँ पर है उसको वर्ड में लिखना, देखो माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो जो कि ए परावैद्युतांक पर है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवर्धक पर लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, उस चीजों को मैं भी वहां पर बोला हूं, ठीक है। अब दोनों का जैसे उस क्वेश्चन में किए थे, उस टॉपिक में हम लोग किए थे निरक्षी स्थिति के लिए, वैसे ही दोनों को बार करना पड़ेगा अलग। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना पड़ेगा,
देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो उसका फॉर्मूला तो यही होता है क्यू लिखोगे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ट्विस्ट आ रही है कि रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर क्यों आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम उसके बीच की दूरी को लेते हैं, है ना। तो देखो दूरी के लिए आपको सिंपल सा करना क्या पड़ेगा, इस वाले पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि वो आया कैसे, में एक्चुअल में ये वाला आर के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर आया कैसे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। मैं क्या समझाया हूँ आप लोगों को कि दो बिंदु लेना है, बोलो इस तरीके से ये हमारा ए हुआ, इससे बहुत ही कम दूरी पर एक बिंदु बी है, ये ए बी, इस पर है माइनस क्यू चार्ज और इस पर है प्लस प्लस क्यू चार्ज, इस तरीके से। इससे मध्य बिंदु से कोई आर दूरी है, इस आर दूरी पर बिंदु पी है, कर ले ऐसा, ये आर दूरी। अब मुझे देखो ऐसा है तो इसके बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला लाइन निकालना पड़ेगा, मुझे दूरी निकालना है, पी बी निकालना है और पी ए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है ये भी एल है ये भी एल है, तो ये यहाँ पर जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो सामने वाला कर्ण होगा। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा ना तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण कौन सा है हमारा, पीबी है, तो मैं पीबी का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा हमारा, ये वाला खंभा गड़ा है वही तो लंब होगा ना, तो वो होगा ओपी का स्क्वायर प्लस में हमारा आधार कौन होगा, बेसिक कौन होगा, ओपी का स्क्वायर, इस तरीके से कर लोगे। अब देखो पीबी का वैल्यू हमें नहीं पता तो मैं पीबी ही तो दूरी है ना उसका, तो PB का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर OP की वैल्यू, तो O से P की वैल्यू जो है R है, तो R का स्क्वायर और इसकी वैल्यू OB की वैल्यू, देखो O है और B की वैल्यू जो है L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर। अब मुझे PB की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, देन मैं क्या करूंगा, इसके पावर जो है घात जो है उसको भेज दूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो वो चला जाता है करड़ी में, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे होता है, इसलिए वहां पर इन दोनों की जगह पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर दूरी, जो दूरी तो हमारा वही था ना, पी बी लिखता, तो इसलिए ऐसा किए, तो ये हो जाएगा। और तब उसमें से देखो इसके करड़ी को और पावर को हटा दिया गया है क्योंकि ये कट जाती है, करड़ी और पावर हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, इसको इक्वेशन नंबर वन दिए। सिमिलरली यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों आपस में कटेगा, तो यहाँ पर भी इतना बाकी रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब फाइनली हम लोग उसके परिणामी को निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जैसे कि प्लस में लेना है ऐसे मैं आपको बताया था, तो E1 अपॉन E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लेंगे। अब ये cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ लो, तो यहाँ पर देखो पोल वगैरह इसका क्या होगा, बटेगा, तो यहाँ पर है ना दो भागों में बटेगा, तो इस तरीके से ये होगा कि जैसे कि ये था, तो इसका ऊपर वाला जो सीधा सीधा जाएगा वो किसके लिए होगा, यहाँ पर ये तो था हमारा E1 वाला था, ठीक, मैं बताया था, और ये यहाँ जो आया था वो E2 था, इस साइड वाला जो था ये इसका टोटल क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा, मतलब टोटल E मतलब हो जाएगा उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर जो ऊपर जाएगा वो हो जाएगा E1 साइन के लिए, है ना, E1 साइन, उसी तरीका से नीचे वाला आ जाएगा आपका E2 cos थीटा के लिए, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर बटेगा तो आपको साइन थीटा और साइन थीटा का लेने के लिए इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब टोटल इसमें लेंगे, क्या लेने के लिए बोल रहे हैं हमें, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो कैसे करना है, E इक्वल टू, मैं नोट को दिखाऊंगा तो आप लोग उसकी अकॉर्डिंग लिखेंगे, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, इस तरीके से लेना पड़ेगा। E1 और E2 को प्लस कर दे तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो वैल्यूज रखते चलो, cos थीटा की अगर बात करें हम लोग तो cos थीटा को कैसे लेंगे, cos थीटा को आपको पता है एक बेसिक चीज कि cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, होता है। और अब भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो है अप्लाई करे हैं तो देखो उसमें आधार कौन सी, आधार की वैल्यू कौन सी, आधार की अगर बात करें तो वहां पर एल आएगा ही आएगा, ये हमारा नीचे वाला ही तो आधार होगा ना। और इसमें
उसके कर्ण की बात करें तो कर्ण की वैल्यू देखो, कर्ण जो है पीबी था, तो पीबी का वैल्यू क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ऐसा। तो उसी वैल्यू को यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन से वाले को, ये वाले को जो मैं अभी आपको लिख के दिखाया हूं, ठीक। कैसे होगा, तो ई इक्वल टू ई वन कॉस थीटा है, तो आपको कंप्लीटली देखो ई वन कॉस थीटा को, ई वन की वैल्यू क्या है, ई वन की वैल्यू को लिख देना है किस तरीके से, ऐसे। देखो E1 की वैल्यू इतना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब उसी में E1 और cos थीटा की वैल्यू क्या है, L अपॉन में R कर दी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको लिख लिए प्लस। अब E2 की वैल्यू कितना है, E2 की वैल्यू यहां से ना भाई, इक्वेशन में आप लोग लिखो, लिखे हो ये वाला को, ये वाला वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो उसी E2 की वैल्यू को यहां पर लिखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के फिर Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, और cos थीटा की वैल्यू फिर से यहाँ पर रख देना। अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये पूरी तरीके से ये इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिखोगे। अब इसको देखो QL किया गया है, इस वाले को QL है इसको, ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 1 प्लस 1, यहाँ पर पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया गया, कॉमन निकाल दिया गया। ये जब इसको सॉल्व किया गया तो 3/2 इसका हो जाएगा, इस वाले को सॉल्व किया गया और ये 1+1 जो है यहाँ पर, इसको देखो यहाँ पर नोट में ना डायरेक्ट कर दिया गया, इसलिए आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है ना, बस उसको सॉल्व करोगे तो फाइनल इसकी आंसर। देखो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, पूरे को पावर को बाहर निकाला गया इस तरीके से, मैं एक बार बता देता हूँ, मे भी कंफ्यूजन होगा, सबको कॉमन लोगे मैं समझ सकता हूँ, पूरे को इतना का पूरा नंबर जो कॉमन निकलेगा पूरा का पूरा, तो यहाँ पर देखो आपका बाकी क्या रहेगा, एक मिनट, यहाँ पर आपका बाकी रहेगा ये वाला, ये वन, और इधर का भी पूरा नंबर कॉमन ले लेंगे तो हमारा 1+1 बाकी रहेगा। अब ये आया कैसे, तो इसको समझो, इसके लिए हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसके पावर में कुछ नहीं मतलब वन, और जब इसको भी मैं उस तरीके से लिखूंगा तो देखो रूट के बदले हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके पावर देखो रूट के बदले करड़ी के बदले मैं 1/2 लिख सकता हूँ, इसलिए इसके पावर का 1 और इसके 1/2 इस तरीके से हुआ, नहीं आएगा समझ तो बताना, ठीक है। तो ये देखो जब इसका 1+ जब इसको सॉल्व करेंगे 1+2 तो इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, तो सबसे पहले नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 फिर क्रॉस, तो 2 का 2 प्लस 1 1 जा 1, तो ये बन जाएगा 3/2, 2 और 1 3 ना, तो 3/2, तो ऐसा 3/2 होगा, और 1 और 1 जोड़ के यहाँ पर देखो 2 आ गया, और Q2L के बदले यहाँ पर हम लिख सकते हैं P, देखो डायरेक्टली यहाँ पर P लिख सकते हैं, तो ऐसा P अपॉन R3, तो ये इसका फाइनल आंसर क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।